मकसद मेन जो वो ये है कि चौधरी लतीफ़ साहब उनका तलक खडोड़ा के गाँव कूड़ा नक्का के पास लावा से हैं, और मैं 2 साल से इस कोशिश में था कि इस तरह की शख्सियात भी हमारे साथ आएँ कि माशाल्लाह बहुत बड़े कुंभे कबीले के वो हैं, कुंभे कबीले में माशाल्लाह इनकी बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर। तो अभी 2 दिन पहले मेरी इनसे बात के मामला तय हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने सारा मंशूर वगैरह काफ़ी देर से ये मंशूर पे बार बार बात करते थे कि आपका मंशूर जो है उसका हमें पता चलना चाहिए और आप कितने मुश्किल मिजाजी से काम करेंगे, ये चीज़ें इनकी शराइत थी। वो अभी उनको मैंने मुतमइन कर दिया है, तो अब ये आज ऐलान करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही मैं भिम्बर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि चौधरी लतीफ़ साहब आ रहे हैं, मैं बाकी लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप भिम्बर की बेहतरी चाहते हैं, अगर आप आइंदा नस्लों की बेहतरी चाहते हैं, अगर आप कोई मंशूर और नज़रिए के ऊपर चलना चाहते हैं, अगर आप रियासत को एक बेहतरीन निज़ाम देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो तमाम चीज़ें हमने होमवर्क किया हुआ है, आपको जम्मू कश्मीर अवामी दाद माना चाहिए। ज़्यादा एक्सपीरियंस ये जो ग्रोहों की गढ़ों की सियासत यहाँ चल रही है, ये भिम्बर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुकी है, और मुझे खदशा ये है कि आने वाले 10-15 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आज आप लोगों ने ना सोचा तो फिर आइंदा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, लोगों को सोचना चाहिए। ये मत सोचें कि कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है, कौन सी जमात हुकूमत में जा रही है, कौन सा कैंडिडेट उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में, ये मत सोचें। आपको इश्यूज के ऊपर सोचना चाहिए, नज़रिए के ऊपर सोचना चाहिए, मंशूर के ऊपर सोचना चाहिए, प्रोग्राम के ऊपर सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के अलावा कोई ऐसी जमात मुझे बता दी जाए जिसके पास कोई नज़रिया हो। ये जो इंतहाबी मंशूर मैं देख रहा हूँ जिसमें नामिनेट कर रहे हैं हम फलां अफसर को यहाँ लगाएंगे, तो बात है करने वाली। आप आने वाले वक्त के मनसूबाबंदी बताएं आपकी क्या है, आपकी पॉलिसियाँ क्या हैं, आप वसाइल किस तरह पैदा करेंगे, आप किस तरह इस रियासत को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, आप किस तरह बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, आप किस तरह से लोगों को सेहत की सहूलियात पहुँचाएंगे, किस तरह तालीम के अंदर लोगों को आप सहूलियात देंगे। कोई पार्टी ये मनसूबा पेश करे, कोई पार्टी अपना प्रोग्राम पेश करे, आप उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। जाके गली गली में देखें, दर दर ये लोग फिर रहे हैं, घर घर के ऊपर टकरे मार रहे हैं, कोई गिले शिकवे सुन रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी के आगे गली की स्कीम रख रहे हैं, किसी के आगे कुछ ये ज़मीर खींचने के मुतरादफ नहीं। तो क्या है, इस वक्त आवाम को भी सोचना चाहिए कि जो 5 सालों में आखिरी 2 महीने आपके सामने लोग आते हैं वो आपके खैरख्वाह नहीं हो सकते, वो आपके अपने नहीं हैं। आप अपनों की तरफ देखें, अपने अंदर से क्या को लेते हैं जो आपके साथ चले, आपका दर्द रखते हो उसके आदत के साथ चले। हम ये कोशिश में हैं, हमने 2-3 साल में एक मेंबर का जो नक्शा चेंज किया है सियासत के अंदर, उस जमूद को हमने तोड़ दिया, अब लोग सवाल करना शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी ज़रूरत ही समझ की है कि ये जो अपने आप को इलेक्टिबल समझते हैं लोग, ये जो अपने आप को इलाके के पैंक समझते हैं, उनको अपनी नस्लों के ऊपर रहम करना चाहिए, उनके अपने बच्चों के साथ अगर प्यार है उनको उनके लिए काम करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, मेंबर के लोगों के लिए मेरा पैगाम है। हम मैदान में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आज के 10 साल के बाद भी इंशाल्लाह जिनके लिए तो खड़े होंगे, और मैं इनको साबित करूंगा कि आपके अंदर रह के जो पार्टी काम करने वाली है वो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद है, बाकी सारे जो है ये मुसाफिर हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, और ये जमातें भी बदलते रहेंगे। अभी आप देखना इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, आपको जो बाजार नक्शा नज़र आ रहा है, हुकूमत बनते ये नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये रवायत चल रही है। आपको पाकिस्तान से आशीर्वाद चाहिए, किस तरह पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ भी देख लें, अपनों को भी देख लें, अपने इलाके को भी देख लें, अपने वसाइल की तरफ गौर करें। हम सारी उम्र इस तरह डिपेंडेंट तो नहीं रहना चाहते हैं, हमें खुद को पालत की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। तो काम तब कर सकते हैं हमारे पास कोई पॉलिसी हो, कोई मनसूबा हो, कुछ हम बता सकें कि हमारे पास क्या है। आए मैं दावा देता हूँ भिम्बर के तमाम स्टेक होल्डर जो सियासतदान हैं उनको देता हूँ, जो मुबैना तौर पर ये समझते हैं कि हमारे अलावा यहाँ कुछ हो नहीं सकता, वो आए मेरे साथ बैठ के बात करें। मैं बाकायदा दावा दे रहा हूँ चौधरी नवार लाख साहब को, तारक फारूक साहब को, जमात सलामी के डॉक्टर रियाज साहब हैं, आए हम बैठ के बात करें। ये भिम्बर हम सबका है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबको मिल के बैठ के काम करते हैं, बात करते हैं, कौन से मसाइल हैं हमारे, किसके ऊपर हमें बात करना चाहिए।
अपनी अपनी सोच के मुताबिक मेंबर की बेहतरी का प्रोग्राम पेश करें, जिसका प्रोग्राम अच्छा होगा उसको लोगों को वोट देनी चाहिए। हमें ये नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिसको भी वोट दें सवाल तो करें ना, वो लेके क्या आ रहे हैं। अगर आप भी अवाम की गलियों का सवाल करेंगे, कोई अपनी दीवार का सवाल करेगा, तो फिर आप बहुत सस्ते अपने आप को बेच रहे हैं। अगर आप अपने वो कीमत लेना चाहते हैं तो अपनी नस्लों के लिए काम करें, अपने आने वाले वक्त के लिए काम करें, तब जाके आप पांव पर खड़ा होंगे। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, वोटर सपोर्टर जितने भी हैं उनको सोचना होगा। आज बातें होना शुरू हो गई है कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पिछले 5 साल आपने देखे हैं वे भी इससे भी बुरे 5 साल आए आपके लिए। अगर दूसरा फ्रीक जीता है तो उससे भी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं, इसलिए आपको सोचना होगा। ये नहीं कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप वो फुटबॉल की तरफ तरह चल रहे हैं। हम आपको बेहतरीन ऑप्शन दे रहे हैं, इस ऑप्शन को ज़ाया ना किया जाए। तो यही मेरी गुजारिश थी। अब चौधरी लतीफ़ साहब अपनी बात करेंगे, अगर कुछ सवाल होगा तो आप उसके बाद सवाल की। सियासत में 1912 से जितने मेंबर के बड़े सियासतदान उनके साथ काम करते हुए हैं, वोट भी देते रहे, लेकिन पिछले कुछ अर्सा से हमें ये महसूस हुआ कि जितने भी यहाँ पे सियासतदान हैं वो आने वाली नस्ल को बेहतर स्टेट के कोई तरीक़ेकार नहीं देखा जा रहे, बल्कि हम दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम देखते थे कि 92 से पहले जो हालात होते थे आज फिर वही हो रहे हैं। बेरोज़गारी है, हर तरफ एतमाद उठ चुका है। तो पिछले अरसे से हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई नई पार्टी बनाई जाए जो मेंबर से काम शुरू करे और पूरे स्टेट तक जाए। तो हमने बाकायदा इस पर काम किया, फिर मुख्तार साहब से मिले और लोग भी थे, अभी मेरा अमिताभ बना। फिर मैंने सोचा इनके साथ चलना चाहिए, आस्ता आस्ता इनके मंशूर के बारे में इनके काम को देखा जो कि स्लोली ये कर रहे हैं। मंजिलें जो होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिला करती, लेकिन एक एक दो दो आदमी जो होते हैं उनके साथ चलते हैं। अगर मैं चाहता तो कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से मौका लेकर वहाँ जा सकता था, लेकिन मैंने देखा कि इनका काम बेहतर है और आने वाले नस्लों के लिए इनका मंशूर बेहतर है। अगर ये अपने मंशूर पर चलते हैं तो इंशाल्लाह 5-10 साल बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और यही सोचकर मैंने जम्मू कश्मीर आवाम का बाकायदा इसमें शामिल होने के लिए मशहूर को मुतासर हो गया सर, जुड़ गए और जुड़ भी रहे हैं। मैं थोड़ी जी गल करा कि सोशल मीडिया के हवाले मतलब है कि एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जनाब कदे किसी ना जोड़ा जाता, कदे किसी ना डॉक्टर साहब भी किसी ना जोड़ा जाता कि रीसेंटली एक गल हुई है, अहम पोस्ट देखी है के सी के अनवार उल हक साहब और मुख्तार साहब ने आपस में मामला तय पाए जा रहे हैं। असी मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद करते हैं, मुकम्मल तौर पर असी डिनाई करते हैं इस चीज़ की। साढ़े किसी न कोई इस तरह के मुलाकात पिछले 2 साल में हमारी मुलाकात ही कहीं नहीं हुई। चौधरी साहब ये चौधरी साहब की अनवार साहब के साथ आरक साहब के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। और इसके अलावा बात यह है कि इन्होंने खुला ओपन चैलेंज कर रखा है हमने कि आए और हमारे साथ डिबेट करें, मीडिया के सामने बैठ के हमारे साथ डिबेट करें। चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया है, चारकू साहब को भी किया है, वो भी मोहतरमे हमारे अनवार लाख साहब को किया है, डॉक्टर लाल साहब को किया है, डॉक्टर रियाज साहब जो है जमात साहब को उनको भी किया है कि आए बैठ के इशू पर बात करें, अवामी मुफाद के इशू पर बात करें और इन मसाइल के हल के लिए बात करते हैं। अब पता नहीं आई डोंट नो कि उनको क्या खौफ है कि वो किस वजह से ये नहीं आ रहे, ये तो बात कर रहे हैं इशू को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर जो और ओपन मतलब है कि मीडिया के सामने बैठ के बात करना चाहते हैं। बाकी दूसरी इस बात की तरदीद करना हमारी डिनाई करना बहुत ज़रूरी था कि जो भी किसी किस्म का सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगंडा हो रहा है इस पर बिल्कुल हमारी ऐसी कोई किसी से बातचीत नहीं चल रही है। हाँ, हमने पहले भी ये कहा है और अब भी कहते हैं कि हमारे मंशूर के साथ, हमारे मंशूर और नज़रिए पर जो लोग भी होंगे जिनका करीब तरीन नज़रिया हमारे साथ मिलता होगा, हमारी कुछ बातें मिलती होंगी, हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे, उनके साथ इत्तेहाद किया जा सकता है।
क्योंकि आप अजीमी साहब माशाल्लाह सजाद मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बंदे बाकी भी हैं। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी है कि उनको बोलो, काफिरों को ये बोलो कि जो हम में और तुम में कामन में कामन चीज़ें हैं जो आपस में हमारी मिलती जुलती हैं उन पर तो आओ, बाकी अगर वो कलमा नहीं पढ़ते हैं जो बाकी जुदाई करते हैं उन पर बाद में डिस्कस की जाएगी, लेकिन जो कामन बातें हैं अल्लाह एक है, रसूल जो है वो आपका पैगंबर है, आपके पैगंबर है, हमारे पैगंबर हैं, इस तरह की जो बातें हैं उन पर तो आओ। हम ये कहते हैं कि जो कामन बातें हम हैं जो मतलब है कि आवाम के मफाद के लिए बेहतर हैं उस पर आके तो बात करें, उनको सॉल्व करने की तो बात करें। तो ये मेरा थोड़ा सा ध्यान करना था कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपोगंडा चल रहा है मुख्तार साहब के हवाले से, इसके बाद एक पोस्ट देखी है अभी, आई डोंट नो कि मेंबर कल्चर के नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई है या क्या है, उसने इल्ज़ाम लगाया कि साहब देखिए पता नहीं कितनी 30 फिलहाल जगह कहाँ क्या उन्होंने कब्जा कर रखा है या क्या हुआ है। हम खुले आम जो है ना ऐलान करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि किसी किस्म का एक रुपये का भी करप्शन का या एक सरसाई किसी नाम नहीं हो, कब्जा किया हो या इनके नाम पे हो, ओपनली हम कहते हैं कि हमारे साथ आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो सबूत उनके पास हैं तो सबूत करें, हम यकीन करें सियासत छोड़ देंगे, हम अलफुल का पाक साफ रह कर ये सियासत करना चाहते हैं, ये सियासत इबादत है, इबादत में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिसमें वो उसका स्वाद ही ना मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत